जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और आप जो गाड़ी हमारे सामने देख रहे हो, दिस इज दी ऑल न्यू एक्सयूवी 3XO। महिंद्रा ने इस गाड़ी को अभी भी लॉन्च किया है। दिस कार कैरीज अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹7.49 लाख, यानी 7.5 लाख रुपए से गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है। अब चलिए इस गाड़ी का क्विक ऑफर देता हूं और आपको क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी के साथ। सबसे पहले आप देख सकते हो आगे तरफ आपको DRL मिल जाएगा। ये आपका हेडलाइट है जो कि हाई बीम लो बीम दोनों के लिए। आपका फॉग लाइट है जो कि LED है। और आगे तरफ आपको ये ग्रिल मिलता है, काफी नया डिजाइन ग्रिल है। सब कुछ प्यारो ब्लैक के फिनिश है एक्सेप्ट फॉर दोस स्लैट्स, 6 स्लैट्स एंड दिस लोगो। हुड लाइनर फीचर्स आप देख सकते हो कुछ ऐसे मिलने वाली है, सेकेंडरी व्यू कुछ ऐसा होने वाला है। एंड साइड में आएंगे तो आपको ये वाले 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। आपको आपके पास अलॉय व्हील्स के लिए दूसरा ऑप्शन भी आप अगर वहां पे देख सकते हो तो वहां पे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। और यहां पे इफ यू हैव अ लुक एट इट तो आपको अलॉय व्हील का डिजाइन थोड़ा सा अलग मिलने वाला है। बॉडी कलरिंग मिल जाएगा आपको यहां पे, ORV मिल जाएगा पैनल ब्लैक फिनिश में। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा आपको। लाइंस की बात करें तो आप देख सकते हैं बॉडी लाइंस यहाँ तक आ रही है, फिर स्प्लिट हो जा रही है। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक बड़ा सा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। लोअर वेरिएंट में आपको एक छोटा सनरूफ मिलता है जो कि यहाँ पे ही होता है, बट यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट में आपको एक बड़ा सा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। रूफ रेल मिल जाते हैं। शॉक फिन एंटीना इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बट आपको यहाँ पे कोई क्रोम नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है एंड दिस इज हाउ द रियर एंड लुक्स लाइक। अब ये टॉप एंड वेरिएंट है, दैट इज दी AX7L एंड कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगा आपको। बूट की बात करें तो करीब 300 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है यहाँ पे आपको लगभग। और ऐसा कुछ होने वाला है इसका इंटीरियर, तो ये है आपके टर्न सिग्नल नीचे की तरफ आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ पियानो ब्लैक में फिनिशिंग भी मिल जाएगी। स्कॉलर मिल जाता है आपको यहाँ पे, स्टॉप लाइट मिल जाता है, डिफॉगर मिलता है और एक रियर वाइप अलोंग विद अ वॉशर भी मिलेगा उसी के साथ। एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड इंटीरियर कुछ ऐसे है दिखने में। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक टच स्क्रीन मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन भी दिया गया है। दिस इज योर फॉर योर वायरलेस चार्जिंग, योर गियर बॉक्स एंड यहाँ पे गाड़ी की चाबी रखी गई है। और यहाँ पे ऑटो होल्ड और पार्क है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। दिस इज हाउ द स्टीयरिंग व्हील लुक्स लाइक एंड दिस इज योर कंट्रोल्स फॉर योर स्टार्ट स्टॉप, योर हिल डिसेंट एंड योर पार्किंग का ऑफ करने के लिए। ये आपका हेडलाइट लेवलर है। उसी के साथ आप देखोगे कि डुअल टोन में फिनिश्ड इंटीरियर, लेकिन सीट्स आपको व्हाइट मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं दिए गए टॉप एंड वेरिएंट में भी। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है पीछे की तरफ और ये है इसका बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ जो कि पीछे से आप देखोगे विजिबिलिटी काफी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट और कुछ कभी होल्स मिल जाएंगे जिसमें कि आप रख सकते हो। और डोर में आप देख सकते हो स्टोरेज के लिए काफी जगह दी गई है। और ये है इसका 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो हाँ जी, और इंजन की बात करें तो उन्होंने अभी हुड बंद कर दिया है, लेकिन इसको इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे, एक डीजल जो कि 1.5 लीटर और एक पेट्रोल जो कि 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन है। और उसी के साथ आप यहां देख सकते हैं यहां पे आपको एक 30GDI ऑटोमेटिक यानी टर्बो का बैजिंग मिलता है, पेट्रोल टर्बो का। और इसमें आपको 3 गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 मैनुअल और 2 ऑटोमेटिक। प्राइसिंग की बात करें तो जी हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि ये गाड़ी की प्राइस जो है 7.5 लाख रुपए शोरूम से स्टार्ट होती है। और इसमें आपको 8 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत सारे वेरिएंट्स मिलने वाले हैं आपको इसमें। तो जी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपको अगर XUV 3XO पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए और फॉलो करना ना भूलिएगा ऐसे कंटेंट के लिए ड्राइव स्पार्क इंडिया।